ईटानगर में जबरदस्त लैंडस्लाइड, असम जाने वाला हाईवे बंद। ईटानगर में आवाजाही पर भी भारी दिक्कत, सड़कों पर आया मलबा। भोपाल में रात भर से जारी है बारिश का दौर, कई इलाकों में 3 इंच बारिश। निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भरा, आवाजाही में दिक्कत। खरगोन में बाढ़ के पानी में फंसा बाइक सवार, किसी तरह बची जान। कुछ घंटों की बारिश में गुजरात को किया बेहाल, झील में तब्दील हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद में हर तरफ पानी ही पानी, मकान दुकान सड़कें डूबी, जहां तहां फंसे लोग। खरीदारी करने निकले लोगों का सड़क पर जल भराव से हुआ सामना, सामान के साथ बच्चों को भी ट्रॉली में बैठाने की आई नौबत। अहमदाबाद की सोसाइटी में बेसमेंट तक पहुंचा पानी, बेसमेंट में दिखा दरिया जैसा मंजर। अहमदाबाद के मकदवा अंडरपास से जल भराव की तस्वीर आई सामने, लबालब भरे अंडरपास का नदी जैसा दिखा नजारा। नवसारी में नदी नालों में उफान, अंबिका नदी की तेज धारा में बेकाबू हुआ स्टीमर, पुल से हुई स्टीमर की टक्कर गनीमत रही, पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया और पुल के निचले हिस्से में जा फंसा, पुल की ऊपरी सतह को छूती हुई बहती दिखी अंबिका नदी की जलधारा। गुजरात के नर्मदा में सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटा पुलिस दस्ता, लोगों को रस्सी के सहारे बाढ़ से बाहर निकाला गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तैरता से नजर आया वलसाड़, हर तरफ दिखा पानी ही पानी। अवैध खनन पर टूटा कुदरत का कहर, वलसाड़ नदी के किनारे फंसी दिखी जेसीबी। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात, बुडेली में सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में डूबे मकान। बुडेली में सबसे ज्यादा टूटा बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त, 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू मिशन जारी। गुजरात के तापी में सैलाब का कहर, पुल हुआ क्षतिग्रस्त। गुजरात के नादियाद में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत, जल भराव का संकट, 48 घंटे में और बारिश का अनुमान। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश के बाद बांध से भरा क्षमता से ज्यादा पानी, पानी की निकासी के लिए खोले गए गेट। कांगड़ा में उफान पर चंबी नदी, नदी में अचानक आए उफान में फंसा ट्रैक्टर, बाद में गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में बादल फटा, धारा का दिखा तेज बहाव। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर आया फ्लैश फ्लड, सड़क का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ हाईवे का भूस्खलन के बाद किया जा रहा है साफ, मलबा हटाने का कार्य जारी। रामबगड़ में भूस्खलन के बीच फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, रस्सी की सीढ़ी के जरिए निकाला गया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन अब तक मामला कोर्ट में नहीं हुआ लिस्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट और उधव गुट के विधायकों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, शिंदे खेमे के नोटिस का किया विरोध, साथ ही कहा डिप्टी स्पीकर को विधानसभा सत्र के दौरान ही हटाने की दी जा सकती है सूचना। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने कहा कि शिवसेना के 39 विधायकों का पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित मेल से आया, इसलिए उसे किया खारिज। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने कहा कि यह सवाल, शिंदे गुट अगर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है तो 48 घंटे में 16 विधायकों को भेजे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी में वर्चस्व की जंग, जनरल काउंसिल की आज की मीटिंग से पहले हंगामा, कुछ जगह पथरा। के पलानी स्वामी गुट चाहता है दोहरा नेतृत्व की व्यवस्था खत्म, ओ पनीरसेल्वम गुट चाहता है बरकरार रहे यही सिस्टम, जनरल काउंसिल ने ईपीएस को बनाया स्थायी जनरल सेक्रेटरी। चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर दोनों गुटों में भिड़ंत, पुलिस की हालात पर नजर। झड़प में पनीरसेल्वम के कुछ समर्थक घायल, अस्पताल ले जाए गए। पुलिस ने पलानी स्वामी के समर्थकों को पार्टी हेडक्वार्टर में घुसने से रोका, कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस के 11 विधायकों में से 6 में से 10 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गोवा में बड़ी टूट रोकने में जुटी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने सीनियर नेता मुकुल वासनिक को भेजा गोवा। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर के बीच प्रभारी दिनेश गुंडूराव का बड़ा बयान, बीजेपी ने लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस नेता गुंडूराव ने दिगंबर कामत और लोगों पर लगाया बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप, अपने 6 विधायकों के साथ होने का किया दावा, कहा कुछ और भी है संपर्क में। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का मॉनसून सत्र, इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने रद्द की डिप्टी स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना, 12 जुलाई को होना था चुनाव।
कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन में कांग्रेस 28 सदस्यीय समिति का किया गठन, इसमें 7 आमंत्रित सदस्य शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 नए सचिवों की नियुक्ति की, 2 सचिवों को पद से हटाया। गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बड़े बदलाव के मूड में, दिल्ली में पिछले 4 दिनों तक चला बैठकों का दौर। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में आंतरिक सर्वे के नतीजों से उत्साहित है कांग्रेस। सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को 125 सीटों पर हासिल है बढ़त। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रुपए के गिरते भाव पर जताई चिंता, पीएम मोदी से किया सवाल। केसीआर ने कहा, कभी गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने ऐसी स्थिति में कांग्रेस से मांगा था जवाब, अब खुद क्यों नहीं बोलते। नहीं थम रही फिल्म काली के पोस्टर से उपजी सियासत, लीना के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी। मोइत्रा के बयान के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खुला मोर्चा, आज नादिया के कृष्णानगर में बड़ी रैली करेंगे बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी के महुआ ने ट्वीट में पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान और मिली शिकस्त का किया जिक्र, लिखा अब माँ ओ माँ सीने पर रखेगी पैर। काली विवाद के बीच पीएम मोदी ने कल पहली बार दिया बयान, कहा देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। श्रीलंका में संकट का असर, श्रीलंका में तंगी और आंदोलन के बीच पर्यटकों ने देश छोड़ा। लग्जरी होटल्स भी खाली हुए, होटल्स में 10% ऑक्यूपेंसी भी नहीं है। बड़े बड़े होटल्स वर्किंग डे में कर रहे हैं कटौती, नहीं सुलझ रहा है सियासी संकट। कल तक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग, प्रधानमंत्री आवास की कर रहे हैं सफाई, इसी घर पर किया था कब्जा, बोले ये देश की संपत्ति, इसकी करेंगे रक्षा। श्रीलंका के संकट को देखते हुए तमिलनाडु में अलर्ट, भारतीय कोस्ट गार्ड के विमान कर रहे हैं गश्त। श्रीलंका में संकट बरकरार, कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर अब तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, एक और कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए सुरक्षा बल के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा, कुछ बुरी तरह से हुए जख्मी। श्रीलंका के पीएम के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला गरमाया, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार।